अगली खबर में बात करते हैं सागर की, जहां गोपालगंज थाना क्षेत्र की श्री राम कॉलोनी में नव विवाहिता प्रतिष्ठा उर्फ ऊर्जा शर्मा की मौत का मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझ गया है। सबका पोस्टमार्टम कराया गया है, पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। बेटी की मौत की खबर मिलते ही मायके पक्ष के लोग कटनी से सागर पहुंचे। मृतका प्रतिष्ठा की कटनी निवासी मां धर्मिष्ठा भट्ट ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेटी की हत्या कर ससुराल वालों ने फंदे पर लटकाया है। बेटी के पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं, हाथों पर कट लगे हुए हैं जैसे किसी धारदार वस्तु से काटे गए हों। मां धर्मिष्ठा ने आगे कहा कि बेटी प्रतिष्ठा की शादी 20 जनवरी को सागर श्रीराम कॉलोनी निवासी पुनीत शर्मा के साथ की थी। पैतृक संपत्ति बेचकर दहेज में 21 लाख रुपए दिए थे। दामाद नशा करता था, वह अक्सर बेटी से दहेज की मांग और बच्चा पैदा करने की बात कहकर प्रताड़ित करता था। बेटी ने मुझे बताया था मेरी बेटी की हत्या की गई है, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मामले में मृतका प्रतिष्ठा के परिवार वालों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष के लोग जाँच को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की। मृतका प्रतिष्ठा के चाचा शरद भट्ट ने कहा कि रात करीब 2:45 बजे दामाद पुनीत के चाचा सूरज शर्मा ने फोन कर जानकारी दी कि प्रतिष्ठा की मौत हो गई है, उसने फांसी लगा ली है। सागर आकर देखा तो बेटी के शरीर पर चोटों के निशान थे, उसके साथ मारपीट की गई, ससुराल वालों ने ही बेटी की हत्या की है, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही होना चाहिए। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात प्रतिष्ठा उर्फ ऊर्जा पति पुनीत शर्मा उम्र 27 साल निवासी श्री राम कॉलोनी का शव घर के कमरे में फंदे पर झूलता मिला था। सूचना पर गोपालगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पीएम डॉक्टर की पैनल से कराया गया है, पुलिस को मामले में मृतिका की पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार है। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि नव विवाहिता की मौत मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया है। पीएम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण स्पष्ट होगा, मायके पक्ष के बयान लिए जा रहे हैं, मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हुआ भी देखा उसको, पूरे शरीर में निशान ही निशान बने नील के, और मुंह नाक में से खून, मुंह में से खून, और कह दिया है कि फांसी लगा ली उसने। इधर नील, मैं आपको फोटो देती, प्राइवेट पार्ट में फोटो मैंने ली है पीठ में, इधर सर कथन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मर्ग की समस्त परिस्थितियों के अनुरूप अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी।